सुप्रभात, सभी का स्वागत है मॉर्निंग लाइव कक्षा में। आज फिर से हमारे साथ प्रियल युवा शादी का बहुत अच्छी हमारे साथ साधना ये करवा रही हैं, डेमो दे रही हैं। भारतीय योग संस्थान की वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए शुरू करते हैं आज की साधना। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, सबसे पहले पंजों को अधिक से अधिक आमने सामने की ओर तानेंगे। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, घुटने दबे हुए, पंजों को अपनी ओर खींचेंगे, सामने की ओर तानेंगे, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, दोनों एड़ियों को खोलकर दोनों पांव के अंगूठे आसन से लगाएंगे। लगाइए लगाइए लगाइए, बाहर की ओर, अंदर की ओर, सब करिए जी प्रयास। ऐसा मत सोचिए कि ये मेरे से नहीं होगा, कोशिश कीजिए। फिर से पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाइए जी, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, घुटने नहीं उठने दें, करिए करिए करिए, बाहर की ओर, एक बार और कीजिए, वापिस आ जाएं, एड़ियों में थोड़ा फासला कम कर लें, रिलैक्स। अब साइकिल के पैडल की तरह घुमाएंगे, राइट पांव को थाई के निकट से पकड़ें और घुमाना प्रारंभ कर दें। नीचे वाले पांव को सीधा रखें, तान के रखें। एक बार घुटना पूरी तरह सीधा जरूर हो जाए जब आप पैडल मार रहे हैं। जब पंजा पांव सीधा हो तो पंजा सामने की ओर ताने, जब पांव मुड़े तो पंजा अंदर की ओर खींचें। अब उल्टी साइड से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। देखिए घुटने का जोड़ प्रभाव में आता है इससे, करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। धीरे धीरे आइए वापस, इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। बाईं टांग को उठाइए, प्रारंभ कीजिए। रीढ़ को, गर्दन को यथासंभव सीधा रखने का प्रयास कीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता। पांच से सात बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज शुरू कीजिए। बहुत अच्छा प्रयास है सभी का, हर क्रिया को आपने एंजॉय करना है, हर क्रिया को करते हुए खुश होना है, हर क्रिया के लाभ को याद करना है आपने। धीरे धीरे आ जाइए वापस, विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास। चलिए जी चक्की चलाएंगे आज, दोनों पांव मिला लीजिए, दोनों हाथ आपस में क्लैंप कर लीजिए और धीरे धीरे दोनों भुजाओं से आगे झुकिए, कमर से पंजे से आगे निकालने की कोशिश कीजिए और फिर पीछे की ओर जाकर गोल गोल घुमाइए पूरी बॉडी को। घुटनों को नहीं उठने देना, करिए जी करिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रियल, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग, कोशिश कीजिए। कंधों पर, पेट पर, कमर पर बड़ा अच्छा असर आता हुआ। अब इसी प्रकार पांच से सात बार एंटी क्लॉकवाइज भी कीजिए। ये जो भी क्रिया हम करते हैं अगर एक दिशा से करते हैं तो दूसरी दिशा से भी अवश्य की जानी चाहिए और अनुपात भी बराबर रखना है। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करिए जी करिए।
चलिए जी वापस आ जाएं और विश्राम लीजिए, थोड़ा सा पाँव को भी ढीला छोड़ें, कंधों को भी ढीला छोड़ें, आंखें बंद, आनंद की अनुभूति, बटरफ्लाई तो प्रतिदिन करते हैं, आज भी करेंगे। स्थिति लें, एड़ियों को निकट लें, दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करें और दोनों घुटनों को बिल्कुल मस्ती के साथ जैसे आप हवा में उड़ रहे हो करना प्रारंभ कर दें। करिए 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 करिए, नए साधक देख लेंगे, प्रियल हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे से सभी क्रियाओं को सभी आसनों को आपके सामने डेमो कर रही हैं। डाउट होने पर ज़रूर आँख खोलें और अपनी स्थिति को ठीक करके आँख बंद करके प्रारंभ करें। इसमें रीढ़ आपकी सीधी रहनी चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए, एड़ियां निकट से निकट हों, घुटने आपके आसन के निकट पहुँचें। ये सारी चीज़ें आप एक साथ मिलाकर के ध्यान रख कर करेंगे तो इसका लाभ ज़्यादा मिलता है। जो चाहते हैं कि पद्मासन लगे हमारा, जो चाहते हैं कि हमारी थाई की अतिरिक्त चर्बी कम हो, जो चाहते हैं कि हमारी रीढ़ सर्वाइकल प्रभाव में आए, तो इस क्रिया को ज़रूर करें जी। धीरे धीरे आ जाइए वापस, हल्का विश्राम लीजिए और श्वास को सामान्य होने दीजिए। कहीं भी आपको थकान लगे, कहीं भी किसी नए साधक को बेचैनी लगे, वो बीच में वापस आ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम हमेशा की भांति ओम ध्वनि और गायत्री मंत्र करते हैं, इसके लिए पद्मासन लगाएंगे। पहले वार्म अप किया हमने 5 मिनट, फिर उसके बाद पद्मासन। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी, होठों पर मुस्कान, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। इस स्थिति में बैठने का मतलब है अपने आप को समेट लेना। जो हमारा ध्यान कई चीज़ों में बटा हुआ होता है, उस सब को खींच करके केवल अपने शरीर के साथ जोड़ना, बोलना अपने मन को अगला 1 घंटा पूरी तरह तूने ध्यान रखना है, मेरा कहना मानना है। कितने भाग्यशाली हम सब जो सुबह सवेरे ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, सुबह की समृद्ध बेला में उगते हुए सूरज की दिव्य किरणें, खुला आसमान, पक्षियों की मधुर चहचहाहट, सब लोग मन में ऐसा संकल्प करें कि कल से हमारी साधना और बेहतर होगी। कोशिश करेंगे हम आँख बंद करके करें और पूरा ध्यान हमारा प्रभावित अंगों पर रहेगा। तीन बार ओम ध्वनि दो और एक के अनुपात में मधुर आवाज हो, मन को सुकून देने वाली हो, तत्पश्चात एक बार गायत्री मंत्र। सभी मिलकर साथ देंगे, गहरा श्वास लीजिए, हाँ।
तत्सवितुर्वारे नियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। प्रसन्नतापूर्वक पद्मासन को खोलें, हल्का विश्राम लें। कोशिश करें आँख खोलने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए जी, आसन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। कोशिश करेंगे जो बिना सहारा खड़े हो सकते हैं, बिना सहारा खड़े होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले कुछ जॉगिंग से, थोड़ा सा अपने स्थान पर ही थोड़ा मस्ती के साथ जॉगिंग करना प्रारंभ करें। धीरे धीरे नए साधक हैं, एज ज़्यादा है, योग से जुड़े समय कम हुआ है, वो हर क्रिया में समय का ध्यान रखेंगे। बाकी जॉगिंग तो हर आदमी कर सकता है, स्पीड से नहीं होती, थोड़ा कम स्पीड से करें, लेकिन मस्ती के साथ। चेहरे पे मस्ती ज़रूर नज़र आए जी, ऐसा नहीं कि बस करना है जी मेरे को तो बस और कोई चारा ही नहीं, ऐसा नहीं जी। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब इसमें थोड़ा और आगे इसको ट्विस्ट करते हैं। थोड़ा अपने हाथों को ऊपर लेके जाइए और आगे पीछे आसन पर आएंगे और जाएंगे पीछे, ये देखिए। बाकी जो कर सकते हैं वो ऐसे करेंगे रियल को देखकर, अन्यथा सिंपल जॉगिंग करेंगे। देखिए ऐसे करिए जी, करिए आगे पीछे हाथों को ऊपर करके मस्ती के साथ। अब दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे और साइड में लेके जाएंगे और फिर दौड़ेंगे। दोनों हाथ एक साथ साइड में, एक साथ साइड में लेके जाएंगे दोनों, और फिर दूसरी तरफ। ये देखिए, ये देखिए कितनी बढ़िया से, ये देखिए ऐसे मस्ती होनी चाहिए जी आपके साथ। करिए 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 करिए, दोनों हाथ भी आपके चलेंगे जैसे हम कटी चक्रासन करते हैं। करिए करिए करिए, आगे पीछे दौड़ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दौड़िए जी दौड़िए, सब लोग कीजिए, सब लोग कीजिए। चलिए जी वापस आ जाएं और थोड़ा विश्राम ले लें। अब आंखें बंद करके रिलैक्स और महसूस कीजिए इस छोटी सी क्रिया से कैसे शरीर में गर्मी आई। ऊर्जा को महसूस करें, बहुत ही बढ़िया वार्म अप। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। अर्धचंद्रासन करेंगे जी आज, अर्धचंद्रासन। चंद्रमा की आकृति बनेगी आदि। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथों को साइड से तांते हुए लेकर चलें आकाश की ओर और प्रणाम मुद्रा बना लें ऊपर, जैसे हाथ जोड़ते हैं ऐसी स्थिति बना लें। ये देखिए जी बिल्कुल परफेक्ट इन्होंने स्थिति बना ली। कोहनी आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, भुजाएं कान के साथ रहेंगी और कलाई के निकट से हथेली नहीं खोलनी। इस बात का सबसे ज़्यादा प्रयास करना है, गलती सबसे ज़्यादा होती है कि हथेली को खोल देते हैं। अब गहरा लंबा श्वास भरेंगे और भरे हुए श्वास में धीरे धीरे अपने राइट साइड में धीरे धीरे बैंड करेंगे, राइट साइड में भरे हुए श्वास में। ये देखिए साइड से की जाने वाली क्रिया है, जैसे त्रिकोण आसन करते हैं। हाथ जुड़े रहेंगे जिसमें, उंगलियां नहीं फंसानी, और यहां सामान्य श्वास में रुकेंगे थोड़ा।
रुकिए थोड़ा सामान्य श्वास में। ये देखिए इस पोस्चर को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कोहनी जरा सी भी लगे मुड़ने वाली है, वहीं पर रुक जाना, उससे आगे नहीं बढ़ना। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही लाभ होना है जी। खींचिए भुजाओं को, खींचिए खींचिए, धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। थोड़ा सा सामान्य करें अपने आप को, एक बार फिर से भुजाओं को ऊपर ही खींच के रखें, लेकिन थोड़ा श्वासों को नॉर्मल कर लें। अब एक बार फिर से गहरा श्वास लीजिए और भरे हुए श्वास में धीरे धीरे लेफ्ट साइड में झुकिए, साइड से। हथेली नहीं खुलेगी, हथेली नहीं खुलेगी, बिल्कुल इस बात का सब लोग ध्यान रखें जी। ज़्यादा झुकना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मेरी स्थिति को सही रखना इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने नाभि के राइट साइड में ध्यान को लेके जाना है, पंजे नहीं लेंगे अपनी जगह से, बिल्कुल केवल कंधों की आपकी मूवमेंट है जी। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सीधी रखनी है भुजाएं, खींच के रखनी है ताड़ासन की भांति, गर्दन को लटकाना नहीं है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, खींचे भुजाओं को एक बार फिर से तानिए और साइड से तानते हुए भुजाओं को वापस लेके आएंगे। विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास, रिलैक्स, महसूस कीजिए प्रभाव को, प्रसन्नता चेहरे पर। पांच उंगलियों को कंधों पर रखें और कोहनियों को घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए जी। नए साधक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, हम चाहते हैं कि वो भी ये छोटी छोटी क्रियाएं जरूर करें ताकि वो आसन करने में किसी किस्म की परेशानी महसूस ना करें। करिए जी, ऊपर से ऊपर सामने की ओर आए तो मिलानी है कोहनियों को, उंगलियों को कंधे से हटाना नहीं है। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया। देखिए आपके अगर ये क्रिया करेंगे आपके कंधों में कभी जो फ्रोजन सोल्जर बोलते हैं कि कंधों जाम हो जाते हैं, कभी समस्या नहीं आएगी। अब उल्टी साइड से कीजिए, क्रिया को दोनों साइड से करना है जी। इतनी क्षमता जरूर बचा के रखनी है, कभी एक ही साइड से आपने इतनी कर ली और क्षमता है नहीं, फिर उसके बाद दूसरी से आप कर ही नहीं पा रहे। बहुत बढ़िया, जितना पीछे ले जा सकते हैं, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं, ये प्रयास करना है जी। चलिए जी वापस आ जाएं, हल्का विश्राम। एक छोटी और क्रिया कराते हैं, थोड़ी नई क्रिया है, हम जैसे उठक बैठक लगाते हैं आज उसकी जगह अपने दोनों पांव को थोड़ा ज़्यादा खोल लीजिए। देख लीजिए प्रियल को कैसे ये करनी है क्रिया। ये देखिए थोड़ा सा पंजे बाहर की ओर हैं और अब जो है आधा जैसे हम चेयर पे बैठते हैं इस टाइप से अपने घुटनों को मोड़िए, बाहर की ओर घुटने जाएंगे जी। ये देखिए, और इस प्रकार से अपने हाथों को आपस में फंसा भी सकते हैं जैसे आपको कंफर्ट लगे हाथों की स्थिति। और इस प्रकार से रुकिए, आप देखिए रुकिए यहाँ पर, ये दोनों थाई पैरेलल आ जाएं, कोशिश कीजिए एक ऊंचाई पे आ जाएं। ये देखिए बनाइए बनाइए प्रेशर, नए साधक ज़बरदस्ती नहीं करेंगे इसका। अब इसमें देखिए असर कुछ अलग ढंग से आता है, पिंडलियों पे, थाई पे, कमर पर। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, एक बार इसकी अभ्यास और करेंगे, थोड़ा सामान्य कर लें अपने आप को और एक बार इसका अभ्यास पुनः करेंगे। फिर से पांव को खोल लीजिए, ज़बरदस्ती कोई नहीं करेंगे जी। करिए जी, शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया, देखिए जी कितनी बढ़िया इनकी स्थिति है, कितना बढ़िया पोस्चर है। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करना लेकिन क्षमता अनुसार, रुकना लेकिन क्षमता अनुसार। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस,
पाँव में दूरी कम, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। आसन के अगले हिस्से पर आइए। सूर्य नमस्कार हम प्रतिदिन करते हैं, आज भी करेंगे। आज तो बहुत ही शानदार जो है सूरज की किरणें, इतने दिन से हम कर रहे हैं, लेकिन जितना सूरज चमकदार आज है मेरे को नहीं लग रहा कि पिछले दिनों में रहा है। सबसे पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा, ध्यान आपका अज्ञा चक्र पर होगा, आंखें आपकी बंद होंगी, सूर्य भगवान के मंत्रों के द्वारा हम सारी क्रियाओं को करेंगे। आज 12 की 12 स्थितियों में 12 मंत्रों का उच्चारण होगा। जैसी अगली स्थिति में हम जाएंगे, जब मंत्र का उच्चारण होगा उसके बाद आप अगली स्थिति में जाएंगे। मुस्कुराहट सबके चेहरे पर, ये पहली स्थिति है। ॐ मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति, तानिए पीछे से पीछे, तब तक रुकना है जब तक दूसरा मंत्र नहीं बोला जाएगा। ॐ रव्ये नमः। श्वास छोड़ते हुए तीसरी स्थिति, कमर से झुकना है, घुटनों को सीधा रखना है, ये देखिए कितनी बढ़िया, ये घुटने बिल्कुल नहीं मुड़ रहे जी, ये देख सकते हैं आप। और फिर नाभि का आपने संकोचन करना है, फिर हो सके तो कमर को और झुकाना है। नए साधक क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, जिनको कमर दर्द है ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ओम सूर्याय नमः। राइट पांव पीछे, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, माथा आकाश की ओर। बहुत बढ़िया, पूरी हथेली आसन पर जमानी है जी, केवल उंगलियों से काम नहीं चलेगा, पांच उंगली मिला के रखनी है। ओम भानवे नमः। दूसरी टांग भी पीछे, एड़ियों को आसन पर लगाइए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, घुटने बिल्कुल सीधे हैं जी, यही आपने बिल्कुल मेंटेन रखना है, घुटनों को पीछे धक्का दे के रखना है, अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगाना है, नाभि को संकुचित करना है, ये सारी क्रियाएं एक साथ करनी है आपने। ओम खगाये नमः। थोड़ा पैडल रुकेंगे पहले, हल्का सा कंधों को मजबूत बनाएंगे और फिर क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर फोरहेड, माथा, अष्टांग प्रणाम। धरती माँ का स्पर्श बहुत ही आनंददायक, निर्भीक बनाता हुआ हमें,
गुस्सा शांत। ओम पूष्णे नमः। सातवीं स्थिति भुजंगासन, हथेलियों पर दबाव, रीढ़ को मोड़िए सी शेप में, गर्दन को ले जाइए पीछे की ओर, पीछे से एड़ी मिली हुई, घुटने मिले हुए, बहुत अच्छा बेटा। ये देखिए पेट की असंख्य नस नाड़ियाँ आपकी पूरी तरह से खिंचाव में हैं, पूरी तरह से एक्टिवेट हो रही हैं, रीढ़ के सारे दोष समाप्त। पुनः हथेलियों पर समान वजन, कंधे का प्रेशर पीछे की ओर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्वास भरते हुए पुनः एड़ियां आसन पर, पुनः एक बार ठुड्डी कंठकूप में। सारी स्थितियां आप रिपीट होंगी। सभी साधक मुझे पूरा विश्वास है कर रहे होंगे, क्योंकि देखने से देखिए कोई फायदा नहीं होगा, सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। देखना भी है, सुनना भी है, लेकिन साथ साथ करना जरूर है। फायदा तभी होगा जी। खाने को देखने से भूख नहीं मिट सकती। योग की किताब घर पर रखने से आप मोटापा को घटा नहीं सकते। ओम मरीचे नमः। राइट लेग आगे, कमर नीचे, गर्दन पीछे। बहुत हमारी युवा साधिका इसके माता पिता बधाई के पात्र हैं, कितनी सुंदर साधना। ओम आदित्याय नमः। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई, हल्के पंजे खुले हुए, भुजा कान के साथ कमर से झुके हुए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ओम सवित्रे नमः। तानिए 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 ऊपर की ओर। खींचिए, ताड़ासन के लाभ लीजिए, कंधे का प्रेशर पीछे बनाइए, घुटनों में ढीलापन नहीं बिल्कुल भी। ये तो सब कर सकते हैं जी, नए भी कर सकते हैं, पुराने भी कर सकते हैं। ओम अर्काय नमः। आ जाएंगे अगली स्थिति में। होठों पे मुस्कान, ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ नीचे, बैठेंगे आसन पर और सब आसन में लेट जाएंगे। अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। 12 आसन आपने बहुत ही बढ़िया से किए हैं। पूरी तरह शिथिलता,
आनंद की अनुभूति। बहुत ही मस्त मौसम है, ठंडी ठंडी हवा है, ऊर्जा से भरपूर सूर्य भगवान की किरणें हवा की खुशबू पूरी तरह इस मस्ती में इस आनंद में डूब जाए। बड़े भाग्यशाली हम सब जो भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं। इतनी सुंदर साधना जो आपके घरों पर लेकर आ रहा है भारतीय योग संस्थान, हमारा जिला वेस्ट एनक्लेव जिला पीतमपुरा दिल्ली, चेतन अवस्था में आएंगे, दोनों पांव मिलाएंगे, एक बार ताड़ासन करेंगे जी, लेट करके दोनों भुजाओं को पीछे लेकर जाएंगे और अधिक से अधिक खींचेंगे पाँव को, हाथों को खींचिए खींचिए जी खींचिए, बहुत बढ़िया। ये एक छोटा सा ताड़ासन करने से ही एकदम शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है, कहीं भी जो आलसपन होता है गायब हो जाता है। खींचिए खींचिए, रुकिए, चलिए ढीला छोड़ें, यहाँ पर हल्का सा विश्राम लीजिए और अब नावासन करने जा रहे हैं हम। हाथों को पांव को विपरीत दिशा में तानेंगे और श्वास भरते हुए पांव को लेकर जाएंगे ऊपर हाथों की ओर और आगे पीछे रोल करना प्रारंभ करेंगे जी, करिए, वेरी गुड, चलिए करिए जी करिए, सब लोग कीजिए। समझ में नहीं आए तो देखेंगे, दो बातों का विशेष ध्यान रखते हुए, घुटनों को मैंने नहीं मोड़ना, भुजाओं को कान से अलग नहीं करना, करिए जी करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया। और महसूस कीजिए बंद आंखों में कि मेरी रीढ़ की एक एक गोटी प्रभाव में आ रही है, स्वस्थ बन रही है। श्वास भरते हुए आपने पीछे जाना है, पांव को लेके जाना, श्वास छोड़ते हुए आपने आगे झुकना है, श्वास के साथ जोड़िए इस क्रिया को, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रियल, बहुत अच्छा कर रही है। चलिए चलिए करिए करिए करिए, देखिए इनके पंजे पीछे लग रहे हैं, हो सकता है आपके नहीं लगें, लेकिन अगर प्रतिदिन जुड़ेंगे तो पक्का लगेंगे आपके पंजे भी, मोटापा तो पता ही नहीं चलेगा कब में से गायब हो गया। चलिए जी आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ जाएं और विश्राम ले लें बैठ करके। पांव को पूरी तरह रिलैक्स दीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए, आँखों को बंद रखिए। आँखें अगर हम खोलते हैं बीच बीच में तो जो आपकी साधना हुई, जो आपको ऊर्जा मिली, वो कहीं ना कहीं बाहर की ओर बहने लगती है। तो प्रयास कीजिए आप, चीज़ अगर हमारे को समझ में आ गई हो तो केवल आप सुनते हुए और उस क्रिया को करते जाएं। बहुत ही विशेष स्थिति में आपको लगे कुछ डाउट है तभी आपने आँख खोलनी है, जल्दी से समझना है और फिर उसके बाद क्रिया को करना है। यहीं से दोनों हाथ दाईं ओर रखकर पांव को बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन में आएंगे, वेरी गुड। वज्रासन प्रतिदिन आपसे पूछते हैं, आप घर पर इसका अभ्यास कर रहे हैं क्या बाद में क्लास के उपरांत, तो बताइए आप मेरे को, आपने अभ्यास किया कल क्लास के अलावा,
किया तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं किया तो आज ईश्वर से प्रार्थना करें अभी कि हम क्लास के उपरांत इसको कम से कम 1 से 2 मिनट अभ्यास अवश्य करें, चाहे वो किसी भी समय करें, अगले 23 घंटे के दौरान। अगले दिन क्लास में आने से पहले आपने अभ्यास को जरूर करना है। मुस्कान होठों पर, रीढ़ बिल्कुल सीधी, ध्यान श्वासों पर। यहीं से आ जाइए पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। समय का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, 7 बजे क्लास को विराम दिया जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर क्रियाओं पर फोकस करें। सलभ आसन का अभ्यास करेंगे, दोनों पांव मिलाएंगे, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लेके जाएंगे, पंजों को लिटा देंगे, ठुड्डी को आसन पर लगा देंगे। ये जो जो चीज़ें बोली जाती है आपने बिल्कुल अक्सर आपने उसको कोशिश करनी है पालन करने की। एड़ी मिलाइए, घुटने मिलाइए। अब एड़ी अपनी ठुड्डी को जीन से हिलने नहीं देना आपने आसन से। श्वास भरते हुए दोनों पांव बिना घुटना मोड़े ऊपर उठा दीजिए, उठाइए उठाइए, जंघाओं को भी उठाइए। ये देखिए, अब ये देखिए, इन्होंने जंघाओं को पूरी तरह से उठा दिया है ऊपर। ये देखिए, ये जो स्थिति है इसमें आपने धीरे धीरे प्रयास करके पहुंचना है, और यहाँ पर फिर सहज भाव से रुकना है, बिना किसी तनाव के रुकना है, पूरे आनंद के साथ रुकना है आपने। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी आपकी साधना है। बाकी साधक जो हैं बाद में भी देखेंगे, नए भी पुराने भी, क्लास के उपरांत कि कैसे पूरी थाई को हवा में उठा रखा है जी। करिए करिए, पंजा तानेंगे तभी रुक पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है रुकने का ज़्यादा देर। एक ही तरीका, एक ही मंत्र की पंजे को तान दे ज़्यादा से ज़्यादा। रुकिए रुकिए रुकिए, 3 की काउंटिंग, 1 2 3, धीरे धीरे आइए वापस बाईं ओर का शिथिलासन, रिलैक्स। दोनों तरफ से शिथिलासन करने चाहिए हमारे को, राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी। जब राइट साइड से करते हैं तो राइट लेग, राइट हैंड सीधा होता है, लेफ्ट साइड से करते हैं लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पांव सीधा होता है। चलिए दोनों पांव मिलाएंगे, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। सामान्य श्वास, आइए आज मरकट आसन की स्थिति करेंगे, कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया है, सभी इसका अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों पांव को एक साथ मोड़ेंगे, एड़ियों को निकट से निकट लेके आएंगे, घुटने मिल जाएंगे, थाई मिल जाएंगी, दोनों भुजाओं को साइड में फैला देंगे 180 डिग्री पर। अंगूठे उंगलियां मिली हुई हैं, ये देख लीजिए। देखिए कहीं भी डाउट लगे आपने जरूर देखना है। श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में, ये दोनों क्रियाएं एक साथ चलेंगी।
घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, और गर्दन भी आपकी लेफ्ट साइड में घूमेगी, लेकिन गर्दन में झटका नहीं देंगे बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया बेटा, भुजाओं को खींचिए जी, भुजाओं को ढीला छोड़ रखा है कुछ साधकों ने, मुझे पता है। जब तक खींचेंगे नहीं तब तक पूरा लाभ कैसे ले पाएंगे। खींचिए भुजाओं को भी, ये देखिए ऊपर वाले घुटने को आप ढीला छोड़ रहे हो, दबाइए उसको फिर से। वेरी गुड, ऐसे आपने रुकना है जी, धीरे धीरे आएंगे मध्य में, आराम आराम से, हल्का सा सामान्य कीजिए अपने आप को, और फिर से स्थिति लें, मन बनाए, श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन जाएगी राइट साइड में। सभी साधक कोशिश करें कि घर पे लैपटॉप हो, तो लैपटॉप में आप ये जो साधना चल रही है इसको आप देखते हुए अपनी साधना करें, उसमें आपकी क्लैरिटी अच्छी आएगी, डिस्टरबेंस कम होगी आपकी। जिनके घर में लैपटॉप नहीं है या संभव नहीं, केवल वो साधक ही मोबाइल का उपयोग करें। बहुत बढ़िया जी, दबाइए घुटने को, वेरी गुड। ये देखिए पांच उंगलियां मिली हुई हैं जी, इनकी भुजाएं देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक सीध में है जी। अब कई लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, वो एक भुजा ऊपर चली जाती है कंधे से एक दूसरी साइड में, तो आप आँख खोल करके अपनी स्थिति को ठीक कर सकते हैं कि कहीं मेरी भुजाओं में ऊपर नीचे डिफरेंस तो नहीं आ गया। जितना सही करेंगे उतना अधिक लाभ लेके जाएंगे। आप आधा घंटा रुकिए कोई बात नहीं, आप 15 मिनट रुकिए, लेकिन 15 मिनट आपने सही तरीके से रुकना है, सही तरीके से करना है। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। अब दो बार आप स्वयं से करेंगे इस क्रिया को, सामान्य होके बिना रुके करेंगे अब की बार, लेकिन पीक पोजीशन पर पहुंचेंगे, घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, शुरू कीजिए और फिर उसके बाद दूसरी साइड भी करेंगे। पीक पोजीशन पर पहुंचते ही फिर दूसरी साइड में आपने, आज का आखिरी आसन है, करिए 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 करिए। पांव को सीधा कर देंगे और हाथों को आगे ले लेंगे, सवासन, दोनों पांव में सुविधा के हिसाब से फासला बनाइए, दोनों हथेलियों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए, और अब शरीर में आए हुए आनंद के साथ खो जाएं। अब ये आनंद केवल तभी ले पाएंगे जब आपने पूरे मन से पूरी साधना आपने की है। कोई साधक अगर जुड़ा ही 5 मिनट पहले है, 10 मिनट पहले है, तो वो कहाँ से इस आनंद को लूट पाएगा। तो सभी प्रयास कीजिए, सबके पास समय है, और समय नहीं भी है तो शरीर से बढ़िया, शरीर के ऊपर इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती जी। तो आपने ज़रूर समय निकालना है, 1 घंटा, जैसे हम सुबह मोबाइल चार्ज कर लें अच्छे से तो पूरा दिन निश्चिंत हो जाते हैं, इसी प्रकार अगर आप 1 घंटा मन से साधना कर लेते हैं, सुबह स्नान करने के उपरांत साधना कर लेते हैं, मुझे पूरा विश्वास है सभी मेरे साधक, हमारे साधक स्नान करके ही साधना कर रहे हैं,
तो आप भी पूरा दिन फिर निश्चिंत हो जाएंगे, कोई भी काम में थकान नहीं होगी आपको, नींद के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, भूख भी बढ़िया लगेगी। पहला सुख निरोगी काया, इससे बड़ा कोई धन नहीं। ईश्वर का धन्यवाद करें, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करें। प्रतिदिन समय पर योग से जुड़ेंगे, जरूर करेंगे और इस ईश्वरीय कार्य को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएंगे, जोड़ेंगे। इन्हीं सुविचारों के साथ चेतन अवस्था राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, जैसे आपको अच्छा लगे बैठ जाइए। आंखें कोशिश कीजिए बंद हैं, बंद ही रहे। प्राणायाम की यात्रा, ध्यान की यात्रा प्रारंभ करते हैं। 18 मिनट हमारे पास और हैं। अब सब कोशिश करेंगे कि हम नेत्रों को ना खोलें और पूरी तरह उस प्रभु के साथ जुड़ जाएं। हमेशा की भांति सर्वप्रथम अनुलोम विलोम से शुरुआत। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाई नासिका पर, अनामिका बाई नासिका पर। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, अनामिका को हटाकर धीरे धीरे श्वास को भरना, राइट साइड से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना, फिर राइट से भरकर लेफ्ट से बाहर निकालना। अब तो सब आप रेगुलर साधक हैं, सभी को पता है, तो पूरी तरह से इसमें खो जाएं। बीच बीच में अपनी कमर के ऊपर चेक रखिए, अपने लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा पे भी चेक रखिए। अंगूठा पहली उंगली टॉप से मिली हुई, छल्ला बना हुआ, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी जुड़ी हुई, तनी हुई। हल्का उंगलियों का जो डायरेक्शन है वो आसन की ओर होगी। देख लें आप साधक जो नए हैं आपके सामने, हमारी यंग शादी का प्रिय इतना सुंदर प्रदर्शन दे रही है। जितने भाव से करेंगे आप, जितने पूरी तरह से तल्लीन होके करेंगे, उतना अधिक लाभ मिलना है जी। पूरा फोकस, पूरी कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता आते जाते श्वासों पर हो। हर एक श्वास के साथ प्राण शक्ति, विशेष ऊर्जा, ईश्वर का आशीर्वाद महसूस कीजिए। बड़े बड़े असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाता है ये सुंदर सरल सा प्राणायाम। बीपी हो,
सर दर्द हो, माइग्रेन हो, अनिद्रा रोग हो, कोई भी रोग नहीं बचेगा जी, आएगा ही नहीं हमारे सामने। इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है ये क्रिया, कोई भी वायरल हो, मौसम के बदलने से होने वाले रोग हो, वो कभी हमारे निकट नहीं आएंगे। लेकिन करना है आपने पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ, बंद आँखों में श्वास की आवाज़ आए बगैर। बाईं ओर से श्वास निकालते हुए आवृत्ति को विराम दें। हाथ को ज्ञान मुद्रा में लें। सुंदर अनुभूति। शरीर में आए हुए विशेष आनंद को, विशेष अनुभूति को महसूस करना। मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ प्राणायाम में, ध्यान में आपको तभी मज़ा आएगा जब आप पूरा पैकेज करेंगे। क्लास में समय पर 5:55 पर जुड़ेंगे, प्रतिदिन जुड़ेंगे, संभव हो तो स्नान करके जुड़ेंगे। स्नान करने का विशेष महत्व है जी, आप करके ज़रूर देखिए। कम से कम 15 एक बार लगातार आप स्नान करके अपनी साधना से जुड़िए और फिर देखिए चमत्कार। आजकल वैसे भी गर्मियां हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। आइए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति आप अपने आप करना। बाद में 5 करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। बहुत बढ़िया प्राणायाम है। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, दोनों कोहनियां एक लाइन में रहेंगी और गहरा श्वास भर के आपने जिह्वा को मोड़ के तालू से लगाना है और मूलबंद लगा के कर सके अति उत्तम। कानों को बंद करें अंगूठों से और 5 प्रारंभ करें।
आवृत्ति को पूर्ण करते हुए शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सुंदर प्रभाव को महसूस करें, आनंद को महसूस करें। करोड़ों सेल्स मेरे माइंड के एक्टिवेट होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं पूरी तरह से, तनाव मेरा बिल्कुल ख़त्म होता है, हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है, शांति बनी रहती है, कामनेस रहती है। बहुत ही बढ़िया ये भ्रामरी प्राणायाम है, ज़रूर इसका प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। आइए समय का ध्यान रखते हुए 5 मिनट प्रभु का ध्यान करें और फिर उसके बाद सुंदर कक्षा को विराम देंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में भी ले सकते हैं। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली और दोनों हथेलियां नाभि के निकट, सुंदर उस प्रभु को पुकारेंगे ओम ध्वनि के रूप में। सब साथ देंगे, मिलकर साथ देंगे, पूरी मधुरता के साथ, अपनेपन के साथ, पूरा ध्यान केवल और केवल प्रभु के चरणों में। गहरा श्वास लीजिए और मिलकर साथ देंगे। शांत, शांत, शांत। मन ही मन ओम का जाप, ओम की वाइब्रेशंस को महसूस करना। खो जाना ओम की मस्ती में, ओम के स्पंदन में,
ओम की प्रसन्नता में। रोम रोम मेरा प्रफुल्लित, रोम रोम मेरा चहकता हुआ, प्रभु कैसे आपका धन्यवाद करें, कैसे आपका आभार व्यक्त करें। इतना आनंद, इतना सुख, इतनी शांति, बस इससे आप कभी वंचित ना करना। ऐसी सद्बुद्धि सदैव बना के रखना कि सुबह आपसे अवश्य जुड़ें, आपका ध्यान अवश्य करें, आपके बनाए हुए इस शरीर को योग द्वारा जरूर स्वस्थ रखें। आइए प्रभु का आशीर्वाद लें। बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ केवल शांति पाठ करेंगे। समय को देखते हुए पहले एक लंबी ओम ध्वनि होगी। गहरा लंबा श्वास लीजिए। वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ॐ शांति शांति शांति। इसी अवस्था में कुछ पल शांति से बैठे रहना, बिना आँख खोले बैठे रहना, बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, विशेष योगिक ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए बड़ी कोमलता से नेत्रों को खोलें, भगवान सूर्य के दर्शन करें। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का, ईश्वर का और सबसे ज़्यादा प्रियल का। कितनी सुंदर इनकी साधना, लगातार चेहरे पे प्रसन्नता, एक आसन में बहुत ही पूर्णता। भगवान सूर्य तो आज पूरी तरह अपने चर्म पर, इतने बढ़िया उनकी किरणें। सुबह के टाइम में 5-10 मिनट जरूर धूप में बैठा कीजिए, विटामिन डी की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कितने ही रोग आपके दूर हो जाएंगे। और सबसे प्रार्थना है कम से कम एक नए साधक को, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को ये लिंक भेजें, ज़रूर जोड़ें। चैंप एक्सल जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, उसकी बेल आइकॉन को दबाएं। सभी का धन्यवाद। कल समय पर जुड़ें, ठीक 5:55 पर हमारी साधना स्टार्ट होती है। आप उससे 10 मिनट पहले ही अपनी सूक्ष्म क्रियाएं प्रारंभ कर दीजिए, किया कीजिए। भारतीय योग संस्थान के द्वारा
ये सुंदर कक्षा चलाई जा रही है, जिसमें हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी का, हमारे जो क्षेत्रीय प्रधान है श्री सुशील डालमिया जी हैं, श्रीमान तलवार जी हैं, आहुजा जी हैं, उनका भरपूर योगदान है। किरण जी पूछ रही हैं, क्या हम दोपहर में योगा कर सकते हैं? भोजन के 3 से 4 घंटे के बाद आप योगा कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए आपने भोजन कब किया। बाकी सुबह अगर कर सकें तो नथिंग लाइक दैट, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। या शाम को करीब 5 या 6 बजे करें और उसके बाद फिर भोजन करें।